नमस्ते, वेलकम टू खुशिया धीमी। आज पे आपने चने की चाट, चने की सब्जी, चना मसाला यह वैरायटी बहुत सुनी होगी, बट आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने की बिरयानी, जिसके लिए हमने काले चनों को रात भर भिगो कर ले लिया है। यहाँ पर मैंने चावल को धोकर भिगो के रख लिया था 20 मिनट के लिए। आलू लिया है एक, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तेजपान दो, दालचीनी का एक टुकड़ा, हरा इलायची, पुदीना बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, प्याज स्लाइस किया हुआ, हरी मिर्चें, धनिया बारीक कटा हुआ और हींग, तली हुई प्याज, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा, गरम मसाला पाउडर। तेल गरम हो चुका है, तेल में हम दालचीनी, तेजपत्ता, हरी इलायची, साबुत जीरा, हींग डालकर चला लेंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा पकाया नहीं है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट करके ले लिया है, इसे ब्राउन नहीं करना है। ये स्टेज पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और साबुत हरे मिर्चे स्लिट मार के ले लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट अच्छे से भून चुकी है, उसका कच्चा स्मेल जा चुका है। अब हम इसमें आलू के पीसेस और चने को ऐड कर देंगे, इसे भी मिक्स कर ले। इसी के साथ हम टमाटर भी डालेंगे और ये सभी चीज़ों को अच्छे से भून कर ले लेंगे। सभी चीज़ों को हमने 4-5 मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चला ले और थोड़ी देर भून के ले। मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से भून कर ले लेंगे। दही पूरे तरीके से मसालों में मिक्स हो चुका है, दही बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी डाल के इस मसालों को और अच्छे से भून लेंगे ताकि स्वाद बढ़कर आए। इसमें पुदीना डाल ले थोड़ा सा, थोड़ा सा धनिया, सभी इस वक्त ना डाले, थोड़ा थोड़ा डाले, मिक्स कर ले। चावल को ऐड कर ले, ज़रूरत के हिसाब से चावल में पानी ऐड कर लेंगे। देखिए, मैंने ये ग्लास से 1.5 ग्लास चावल लिया था और इसी ग्लास से मैंने 2.5 ग्लास पानी डाला है चावल पकने के लिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी आप एक्स्ट्रा पानी डालिएगा, नहीं तो 2.5 ग्लास में चावल पक जाएंगे। नमक स्वाद अनुसार, तले हुए प्याज, थोड़े हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। मिक्स कर लीजिए और चावल को पका लीजिए। चावल में उबाल आ चुका है, चावल पकना स्टार्ट हो चुके हैं। ये स्टेज पर हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऊपर से डाल देंगे ताकि चावल में अच्छी खुशबू आए। बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए, बिरयानी को हमने डिश आउट कर लिया है, अब हम इसे तले हुए प्याज से गार्निश करेंगे। कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ हरा पुदीना। टेस्टी चना बिरयानी बनके रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।